Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a block of mass 2 kilogram is moving on a frictionless horizontal surface with a velocity of 1 meter per second, figure is given. Towards another block of equal mass kept at rest, the spring constant of the spring fixed at one end is 100 newton per meter. Find the maximum compression of the spring. Fine. So ek kaam karte hain, thoda generalized way mein solve karte hain. Let's say ye M1 hai. इनिशियली मूविंग विथ यू वन, सिमिलरली ये M2 है, इनिशियली रेस्ट में था, मीन्स U2 इज इक्वल टू जीरो दे रखा है. U2 अगर हम जीरो नहीं लेते तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बट फॉर द टाइम बींग लेट्स कीप इट सिंपल. U2 का वैल्यू हम जीरो लेते हैं. अगर U2 जीरो नहीं होगा तब किस तरह से करना है, आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ दिस प्रॉब्लम. फाइन, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट को हम की एज्यूम कर लेते हैं. नाउ वॉट विल हैपन, M1 M2 की तरफ मूव कर रहा है. सो इनिशियली M1 यहाँ पे आएगा, स्प्रिंग के एक एंड को टच करेगा, और अभी भी ये U1 से मूव कर रहा है क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अभी कोई फोर्स नहीं है. सो M1 जैसे ही थोड़ा और आगे मूव करेगा, देयर विल बी सम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, है ना. M1 और अगर थोड़ा आगे मूव करता है तो स्प्रिंग में कुछ कंप्रेशन आ जाएगा, और जैसे ही स्प्रिंग में कुछ कंप्रेशन आएगा, लेट्स से x इज द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग. सो आप देखो M1 पे पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, दैट इज K × x. स्प्रिंग फोर्स लगाएगी अगर कंप्रेशन है तो, स्प्रिंग में दोनों एंड्स पे फोर्स लगेंगे, M1 पे पीछे की तरफ और M2 पे आगे की तरफ, दैट इज अगेन K × x. अब हम बात करते हैं कि M1 इनिशियली U1 से आगे की तरफ मूव कर रहा था और M2 तो इनिशियली रेस्ट में था, राइट. नाउ M1 पे पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, इट मींस M1 का एक्सेलरेशन पीछे की तरफ आएगा, इट मींस इसकी जो वेलोसिटी है या फिर स्पीड है वो डिक्रीज होगी. सिमिलरली जो M2 है वो तो इनिशियली रेस्ट में था बट उसमें आगे की तरफ फोर्स आया, इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन आएगा आगे की तरफ, इट मींस उसकी जो वेलोसिटी है आगे की तरफ इंक्रीज करेगी. फाइन, सो किसी टाइम इंस्टेंट टी पे हम मान लेते हैं कि U1 डिक्रीज हो रहा है, मीन्स वेलोसिटी ऑफ M1 डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होते होते कुछ V1 हो गई. सिमिलरली जो M2 है उसकी जो वेलोसिटी है किसी टाइम इंस्टेंट पे कितनी हो गई, V2 हो गई, राइट. नाउ आप देखो V1 और V2 के टर्म्स में हम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग को किस तरह से स्टडी कर सकते हैं, किस तरह से रिलेशन है बिटवीन द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग एंड V1 एंड V2. देखो कंप्रेशन इन द स्प्रिंग विल कैप्ट ऑन इंक्रीजिंग टिल V1 इज ग्रेटर देन V2. अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो लेट मी ड्रॉ द फिगर. ये M1 है, ये V1 से मूव कर रहा है, और M2 किसी भी टाइम इंस्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ, और M2 है वो V2 से मूव कर रहा है, राइट. अब आप देखो अगर V1 इज ग्रेटर देन V2 देन द सेपरेशन बिटवीन M1 एंड M2 विल कैप्ट ऑन डिक्रीजिंग. इनके बीच में जो सेपरेशन है ना, M1 और M2 के बीच में जो सेपरेशन है वो डिक्रीज होगा व्हेन V1 इज ग्रेटर देन V2. और जो सेपरेशन है ना M1 और M2 के बीच में, वही है आपकी लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. सो अगर V1 इज ग्रेटर देन V2, इट मीन्स कि सेपरेशन बिटवीन द टू ब्लॉक्स इज डिक्रीजिंग. इनके बीच में सेपरेशन डिक्रीज हो रहा है, और सेपरेशन इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, है ना. इनके बीच में जो सेपरेशन है वही तो लेंथ है स्प्रिंग का. सो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज डिक्रीजिंग. अगर लेंथ डिक्रीज हो रहा है मीन्स कंप्रेशन इंक्रीज हो रहा है, राइट. फाइन, सो दिस इज द कंडीशन फॉर द इंक्रीज इन द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, दैट इज V1 इज इक्वल टू V2. बट आप देखो V1 कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा और V2 कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा, है ना. जैसे अभी हमने डिस्कस किया M1 की जो वेलोसिटी है आगे की तरफ वो डिक्रीज करेगी, और M2 की जो वेलोसिटी है आगे की तरफ वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगी टाइम के साथ. तो एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जहाँ पे V1 इज इक्वल टू V2 हो जाएगा, और इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपका जो कंप्रेशन है इन द स्प्रिंग वो मैक्सिमम हो जाएगा, है ना. क्यों मैक्सिमम हो गया, क्योंकि जब तक V1 ज़्यादा था V2 से तब तक आपका जो कंप्रेशन था वो इंक्रीज हो रहा है, तो कंप्रेशन मैक्सिमम का हो जाएगा व्हेन V1 इज इक्वल टू V2. फर्दर V1 और डिक्रीज करेगा, है ना. उसके बाद क्या होगा, V1 विल बी लेसर देन V2, मीन्स V2 ज़्यादा हो गया, तो फिर सेपरेशन बिटवीन द टू ब्लॉक्स M1 और M2 के बीच में जो सेपरेशन है वो इंक्रीज करेगा, मीन्स लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इंक्रीज करेगा, इट मीन्स कंप्रेशन डिक्रीज करेगा, मीन्स जो स्प्रिंग में कंप्रेशन है वो डिक्रीज करेगा. हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है. मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए हमारा कंडीशन आ गया कि M1 और M2 की जो वेलोसिटी है आगे की तरफ वो सेम होनी चाहिए, हमने मान लिया V, है ना. और जब ये दोनों कॉमन वेलोसिटी V से मूव कर रहे हैं, उस इंस्टेंट पे जो स्प्रिंग में कंप्रेशन है वो मैक्सिमम है, तो हमें ये मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है. अब हमारे पास वेरिएबल्स कितने, एक तो V हमें नहीं पता और मैक्सिमम कंप्रेशन नहीं पता, दो वेरिएबल हैं, हमें दो इक्वेशन चाहिए. दो इक्वेशन चाहिए, कहाँ से निकालेंगे, सिंपल. पहली इक्वेशन तो बहुत सिंपल है, दैट इज़ फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. क्या करना है, इनिशियली M1 था, U1 से मूव कर रहा था, ये स्प्रिंग है और ये M2 है, और ये इनिशियली रेस्ट में थी. फाइन, सो आप क्या करो, M1 M2 और स्प्रिंग को ये सिस्टम ले लो, ये आपका सिस्टम है. सो इस सिस्टम में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स है, इज देयर एनी एक्सटर्नल फोर्स
ऑन दिस सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स है, बट एनीवे वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसका मतलब हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं ऑफ दिस सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. मीन्स इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, राइट. देखो जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है ना, स्प्रिंग फोर्स दैट इज के इंटू एक्स, एम वन पे पीछे की तरफ, एम टू पे आगे की तरफ, ये इंटरनल फोर्स होगा. जैसे हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, स्प्रिंग इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम. सो स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग जो भी फोर्स लगाएगा, वन पार्ट ऑफ द सिस्टम इज अप्लाइंग फोर्स ऑन द अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल फोर्स, है ना. सो उसके कारण सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होता. एम वन और एम टू का इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज हो रहा है. आप देखो यू वन जो है वो डिक्रीज हो गया, कितना हो गया, वी हो गया, और M2 की जो स्पीड थी जीरो से इंक्रीज होके V हो गई. सो M1 और M2 का इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज हो रहा है, बट सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता. इंटरनल फोर्सेस कैन चेंज द मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, बट इट कैनॉट चेंज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. सिस्टम का मोमेंटम चेंज करने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है. अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो देन वी कैन से कि सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा. इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. अब इनिशियल मोमेंटम की आप बात करोगे तो दैट वॉज M1 U1. M2 तो रेस्ट में था और स्प्रिंग मासलेस है, मास ऑफ द स्प्रिंग इज नॉट गिवन. फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, ये आपकी फाइनल कंडीशन है. फाइनल मोमेंटम देखो दैट इज M1 V प्लस M2 V, और यहाँ से आ गया M1 प्लस M2 इंटू V. सो देखो यहाँ से डायरेक्टली V का वैल्यू आ गया, M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2. M1 U1 और M1 U1 और M2 तीनों चीज़ें आपको दे रखी है ना. सो ये स्पीड निकल जाएगी. अब X कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, वो कैसे आएगा. देखो वो आएगा फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. अब ये आपका सिस्टम है, राइट. इस सिस्टम में आप देखो कितने फोर्सेस लग रहे हैं. एक तो इनका वेट लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, बट उसका कोई वर्क नहीं होगा. वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं उनकी तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनका कोई वर्क नहीं होगा. वर्क किसका होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ब्लॉक्स का वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है. इसलिए जो फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है सिर्फ उनका ही वर्क होगा, राइट. और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस सिस्टम में सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज स्प्रिंग फोर्स विच इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. सो अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क हो रहा है आपके सिस्टम में, देन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल नॉट चेंज, है ना. देखो मोमेंटम हमने कब कंजर्व किया, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था सिस्टम में. और हम मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व कर रहे हैं, हम मैकेनिकल एनर्जी तब कंजर्व कर सकते हैं जब सिस्टम में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क हो रहा हो, और सिर्फ यू नो एक ही फोर्स है, दैट इज स्प्रिंग फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो कंजर्वेटिव फोर्स है. सो अगर स्प्रिंग फोर्स का वर्क होता है देन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल नॉट चेंज. मीन्स इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी. अब सिंपली मैकेनिकल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक इज इक्वल टू इनिशियल फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक, राइट. सो इनिशियली अगर हम बात करें तो इस तरह से हमारा सिस्टम था, ये आपका M1 है, U1 से मूव कर रहा था और M2 रेस्ट में था. सो पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करेंगे तो स्प्रिंग के लिए करेंगे, ब्लॉक्स के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है सो जो लेवल है, जैसे आपने कुछ एज्यूम भी कर लिया M1 और M2 का ब्लॉक्स का पोटेंशियल एनर्जी, तो वो चेंज ही नहीं होगा जब तक लेवल चेंज नहीं होगा. जब तक ये लोग जो M1 और M2 है वो एक प्लेन सरफेस मींस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करेंगे, तब तक इनकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी, राइट. सो पोटेंशियल एनर्जी हम किसके लिए यूज़ करेंगे, सिर्फ स्प्रिंग के लिए, राइट. सो इनिशियली स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में था तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग वॉज जीरो. सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू ब्लॉक्स दैट इज हाफ ऑफ एम वन इंटू यू वन स्क्वायर. एम टू तो रेस्ट में था ना इनिशियली, सो ये हो गया ई आई इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, राइट. दैट इज इक्वल टू यू फाइनल. फाइनल कंडीशन मैं बना लेता हूँ, ये एम वन है, ये M2 है, और इनके बीच में स्प्रिंग है, और स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना है, मैक्सिमम कंप्रेशन है, और दोनों है जो ब्लॉक्स है वो V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, राइट. सो आप देखो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी किसका, स्प्रिंग का, ब्लॉक्स का नहीं लिखेंगे, राइट. सो कितना आएगा, हाफ ऑफ K इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग कैसे लिखते हो, हाफ ऑफ K इंटू जितना कंप्रेशन है स्प्रिंग में, राइट. प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ M1 इंटू V स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ M2 इंटू वी स्क्वायर, राइट. सो यहाँ से देखो एक ही वेरिएबल है x मैक्स, v का वैल्यू हमें पता है, v का वैल्यू हमने ऊपर निकाला है, राइट. सो एक काम करते हैं, हाफ पहले कैंसिल करते हैं और इसे उस तरफ ले जाओ. सो M1 U1 स्क्वायर, राइट, माइनस M1 प्लस M2 इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय k दैट
और इसका रूट ले लो, है ना, दैट इज़ योर मैक्सिमम कंप्रेशन। तो इसे सॉल्व करते हैं, और वी स्क्वायर का वैल्यू चेक करो, एम वन ये है आपका वी, है ना, एम वन स्क्वायर यू वन स्क्वायर अपॉन एम वन प्लस एम टू। सो इसका वैल्यू आएगा एम वन स्क्वायर यू वन स्क्वायर अपॉन एम वन प्लस एम टू का स्क्वायर। सो देखो एम वन प्लस एम टू ये कैंसिल हो रहा है एक, और यहाँ पे कितना आएगा, एक काम करते हैं, देखो ये कुछ इस तरह से, मीन्स के जो है वो इसके डिवाइड में, मीन्स इट इज़ समथिंग लाइक दिस, एम वन यू वन का स्क्वायर माइनस एम वन स्क्वायर यू वन स्क्वायर अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये इस तरह से है ना, के पूरे के डिवाइड में और ये के है, राइट, और इसका रूट। सो यहाँ पे एम वन प्लस एम टू का हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। सो एक काम करते हैं, एम वन प्लस एम टू का एलसीएम ले लेते हैं, और यहाँ पर हो गया एम वन यू वन स्क्वायर माइनस एम वन स्क्वायर यू वन स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया एम वन प्लस एम टू और के है और इसका रूट, राइट। सो चेक करो, एम वन यू वन स्क्वायर तो कॉमन है, सो एम वन यू वन स्क्वायर यहाँ से और एम वन यू वन स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, राइट। सो इस तरह से हम एम वन यू वन स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचा, एम वन प्लस एम टू माइनस एम वन, सो एम वन कैंसिल हो गया, सो अंडर रूट ऑफ एम वन एम टू यू वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू इन टू के, है ना। नाउ आपको एम वन एम टू यू वन और के का वैल्यू दे रखा है, एम वन इज इक्वल टू एम टू इज इक्वल टू टू दे रखा है, सो आप पुट कर दो, सो ऊपर फोर हो गया और नीचे भी फोर हो गया, राइट, इन टू यू वन कितना दे रखा था, यू वन लेट मी चेक, यू वन वन मीटर पर सेकेंड दे रखा था, सो वन डिवाइडेड बाय के का वैल्यू हंड्रेड दे रखा था, तो इसका रूट ले लो, सो वन बाई टेन आ रहा है ना, 0.1 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, फाइन। देखो अगर आप यू टू जीरो नहीं लेते ना तब भी ये इक्वेशन सॉल्व हो जाता, मीन्स अगर हम और जनरलाइज्ड करें इसे, एम वन इनिशियली यू वन से मूव कर रहा था, एम टू इनिशियली यू टू से मूव कर रहा था, इस बार हम यू टू को अगर जीरो नहीं लेते तब भी सॉल्व हो जाएगा। नाउ आई डोंट वॉन्ट टू सॉल्व इट हेयर, आई वॉन्ट यू टू सॉल्व इट बाई यूर सेल्फ एंड लेट मी नो इफ यू स्टक समवेयर, राइट, ओनली यू नो अगर आप इस तरह से करोगे देन ओनली यू कैन लर्न बाय योर ऑन, राइट, एंड दैट्स वॉट इज इट्स नीडेड। एनी वे लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन। ओके गाइस, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।